हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं क्वांट्रा बैंड पुलिस। जैसे कि आपको पता ही होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारे बॉर्डर चेक पॉइंट पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उस अटैक में हमारे कुछ साथी इंजर हो चुके थे और कुछ की तो मौत भी हो गई थी। फिर उस आपसोस से निकलने के बाद आज हम दोबारा से जाने वाले हैं हमारे बॉर्डर चेक पॉइंट पे हमारी ड्यूटी के लिए। तो चलो ओके, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे बॉर्डर चेक पॉइंट पे और हमारे कॉमरेड हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। बिटवीन साउथर नेबर होगी द सेफगार्ड ऑफ नेशनल इकोनॉमी द पार्टी इंट्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो साउथ का कुछ बोला कॉमरेड ने कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन साउथ में शायद से कुछ कंफ्लिक्ट चालू है। न्यूज पेपर पढ़ के देखते हैं एक बार कि क्या कंफ्लिक्ट चालू है। यहाँ पर आज का न्यूज पेपर आ चुका होगा। ओ, आ चुका है। कंफ्लिक्ट इन द साउथ, अ फ्लड ऑफ गुड्स फ्रॉम एब्रॉड, द आर्म्ड अटेंशन बिटवीन कागज कम। ओके, तो यहाँ पर साउथ में कुछ कंफ्लिक्ट चालू है, हमें क्या लेना देना है। चलो बाकी कुछ ना करते हुए हम हमारी ड्यूटी की शुरुआत करते हैं। लेकिन आज ड्यूटी को शुरुआत करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें करनी है, जैसे कि हमें हमारे प्रिजन को अपग्रेड करना होगा। अरे बंद है शायद, मेरे को लगा प्रिजन का गेट खुला है। ये टकले ध्यान रख फिर से। अरे ये ना प्रिजनर भाग जाते हैं डायरेक्ट ऐसे। आप पहले ना यहाँ पर इस टकले को रखा नहीं था मैंने, तो ये छः प्रिजनर नहीं शायद चार प्रिजनर भाग गए थे प्रिजन से। बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ। स्टोरेज रूम को भी अपग्रेड करेंगे, प्रिजन को भी अपग्रेड करेंगे हम इस बार। और मेन बात ये है कि हमारे पास अगर हमें कॉन्ट्राबैंड मिला तो उस कॉन्ट्राबैंड को निकालने के लिए हमारे पास कुछ वेपन ही नहीं है। तो वेपन के लिए हम डिलीवरी वैन को बुला लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें वहाँ पर जाने के लिए अभी परवड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ओके भाई, चार्जेस $200 सॉरी, इसने यहाँ पर आने के लिए चार्जेस लगा लिया। इससे अच्छा तो हम उसके शॉप पे जाकर लेकर आते। तो हमारे पास अभी क्या क्या पड़ा है वेपनरी में, ये देखो, ये शराब की बॉटल कुछ काम की नहीं, ये सिगरेट कुछ काम की नहीं है। अरे निकल जाओ, हम स्मोक भी नहीं कर सकते इसके। और क्या है बिना काम का हमारे पास, ये शराब की बॉटल कुछ काम की नहीं। ओके, तो यहाँ पर और ये सिगरेट का डिब्बा कुछ काम का नहीं है, ये नीचे रख देते हैं। पाइप कुछ भी काम में आ सकता है। एक पिस्तौल नीचे रख देते हैं, दो दो पिस्तौल ऊपर रख के कुछ फायदा नहीं। ओके, तो चलो अभी हमारी व्हीकल आ चुकी है, तो जल्दी से हमें उससे कुछ शॉपिंग कर लेनी चाहिए सप्लाई, क्योंकि कॉन्ट्राबैंड निकालने के लिए हर चीज़ को तोड़ना पड़ता है, और तोड़ने के लिए हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ वेपन चाहिए होता है, जैसे कि नाइफ और कुछ नया। ओके, दिखाओ क्या नया माल लाया है तूने अभी। ओके, तो ये देखो, यहाँ पर हमें नाइफ चाहिए, तो हम बढ़िया वाला नाइफ लेंगे। ये जो नाइफ है ना हमारे पास, ये जल्दी ख़राब हो जाता है। ओके, तो ये हमने एक नाइफ परचेस कर लिया। एक्स बढ़िया वाली लेंगे, $25। आइस एक्स की कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती, तो ये हमने एक एक्स भी ले ली। ये स्पेड लेंगे या ये शोवल लेंगे, क्या लेना चाहिए हमें, दोनों लेने चाहिए शायद। ये शोवल भी ले लिया हमने एक, और ये पिच फॉर्क भी लगता है शायद हमें, कहीं ना कहीं लग जाएगा। डेविल्स पिच बैक, ओ ये रहा, किधर है किधर, ये रहा कौन सा बढ़िया है यहाँ पर, ये तोपमा, ये लेना पड़ेगा हमें। डेविल्स पिच बैक ले लेते हैं भाई, बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए कुछ। ओके, तो हमने सारे के सारे वेपन परचेस कर लिए यहाँ पर। और क्या है वेपनरी में, स्टूटेज है। ओ नहीं, ये अभी हम नहीं लेने वाले, क्योंकि हमें अभी अपग्रेड भी करना है हमारा पुलिस स्टेशन और सब कुछ। तो सर आप अभी जा सकते हो, हमने कुछ शायद से $500 का सामान परचेस कर लिया उनसे। तो चलो करते हैं हमारी ड्यूटी शुरू, बुलाते हैं आज की हमारी पहली व्हीकल, लीवर को करते हैं डाउन। ओके सर, आ जाओ जल्दी जल्दी, आप तो बहुत ही बदमाश लग रहे हो मुझे चेहरे से। ये बच्चों को किडनैप करने वाली गाड़ी तो नहीं है। ओ भागो यहाँ से बच्चों, बच्चों यहाँ पर बच्चे काहे को आएंगे बॉर्डर पे, कुछ भी। तो चलो सर बाहर निकलिए, आप पहले बाहर निकलिए, हम आपकी व्हीकल की तलाश लेंगे, फिर आपका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करेंगे। तो आप बाहर निकल, ओह ये निकल गए शायद बाहर। ये यूवी लाइट लगा के हम देखेंगे कि कुछ इसके पास गलत कॉन्ट्राबैंड है या नहीं। तो आगे तो इनके पास कुछ स्नेक का साइन दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कुछ कॉन्ट्राबैंड तो है ही नहीं। ओके, तो सर के पास हमें कुछ कॉन्ट्राबैंड तो मिला नहीं, लेकिन इनके पास कार्गो है बहुत सारा, तो कार्गो को बाहर निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। कार्गो को बाहर निकाल के चेकिंग करना होगा हमें। अरे निकल जा। ओके, तो सारा कार्गो हमने बाहर निकाल लिया है, तो बाहर एक बार यूवी लाइट लगा के इसकी चेकिंग कर लेते। सेल्ट में, शेल्ट पीस में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे इन बोरियों में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे मेडिसिन किट में, ओ इधर की साइड चेक कर लेता हूँ, नहीं है नहीं है।
तो इनके पास कार्गो में भी कुछ नहीं निकला, तो एक बार इसको रजिस्टर कर लेते हैं हमारे कार्गो लिस्ट में। 5, 2 मेडिसिन किट, 1, 2, 3 फिश। ओके, तो इतना ही सामान है शायद इनके पास। तो क्या हमारा मोकेम्बो कहाँ गया? ए मोकेम्बो मोकेम्बो, चलो सर का सामान अंदर रख दो। ऑफकोर्स कॉमरेड। ओके, तो इसने खड़े खड़े सामान रख देता है अंदर। हम इतना मेहनत करके चेकिंग करते हैं और यहाँ पर खड़ा खड़ा पूरा का पूरा सामान अंदर रख देता है। तो जाने दो, इसका काम आसान है लेकिन इसको पैसा भी कम मिलता है, हमें पैसा ज़्यादा मिलता है। सर पासपोर्ट देना आपका। आपके पास हमें कुछ कॉन्ट्रैबैंड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आप ईमानदार आदमी लग रहे हो हमें, लेकिन मुझे तो थोड़ी सी आप में गलती लग रही है। ये देखो, पहले हम सर की कार्गो लिस्ट चेक करेंगे। कैरल सेक 5। ओ, इनकी कार्गो लिस्ट गलत होने के वजह से, किधर ही उधर रिस्ट्रिक्शन, कार्गो लिस्ट गलत है। तो यहाँ पर हम अभी इनको कार्गो लिस्ट गलत होने के वजह से वहाँ पे हमने टिक कर दिया। इनका फोटो, अरे फोटो भी गलत है, इनका फोटो भी गलत है। पासपोर्ट नंबर चेक कर लेते हैं अभी। पासपोर्ट नंबर 472H 85V8 बराबर है। लजीज नाउमो, नाम भी बराबर है सर का। भाई पासपोर्ट एक्सपायर है क्या, चेक करना होगा हमें। ओ मिसमैच, बस बस पासपोर्ट का एक्सपायर भी है इनका। अरे सब कुछ गलत है यार, तेरा वाला क्या क्या गलत है। और तेरी व्हीकल व्हीकल डिटेल चेक कर लेता हूँ एक बार, रुक जरा। IQ, ये देखो यहाँ पर IQ 4147XP। नंबर तो बराबर ही, तेरा व्हीकल का वेट चेक कर लेता हूँ। इतना है व्हीकल का वेट, 2400 kg। और यहाँ पर मैक्सिमम वेट वेट बराबर है इनका। तो इतनी सारी गलतियाँ होने के वजह से हम इनको जाने नहीं देने वाले। तो सर हम आपको करते हैं डिनाई। तो ये रहा हमारा पहला डिसीजन, हमने ले लिया है। क्या पता सही है या गलत, लेकिन मेरे हिसाब से 99.99% हमने सही डिसीजन लिया है। तो सर निकलिए जल्दी, आपका फाटक बंद कर देता हूँ मैं। अरे रुक रुक, तेरा फाटक, सर का हमने फाटक बंद करना है। और ये देखो यहाँ पर शायद है, उठाएगा अभी। उठा ले उठा ले उठा ले। अरे क्या आलसी आदमी है भाई, अरे मर जाएगा, अरे तू अरे मर जाएगा हमारा सोल्जर। अरे भाई, अरे उठाया नहीं इसने, मैं तो उठा नहीं पाता, लेकिन इसने तो उठाना चाहिए था ना। वो $160 आज हमें अच्छी कमाई करनी होगी बहुत। लीवर को करते हैं डाउन, हमारी सेकंड व्हीकल। आ जाओ सर जल्दी, इसके पास जरूर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रेबेंड होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर खुफिया इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ये देखो यहाँ पर पढ़ो, डार्क ग्रीन, ये डार्क ग्रीन कलर है शायद। ओ ये डार्क ग्रीन ही है, तो इसके पास जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है कॉन्ट्रेबैंड, क्योंकि हमारे कंट्री की जो खुफिया इंफॉर्मेशन होती है वो कभी गलत नहीं हो सकती। तो चलो सर, पहले तो आप ईमानदारी से बाहर निकलो, आपको इज्जत से बाहर निकालते हैं हम, क्योंकि आपको जाना तो प्रिजन में ही है। तो आप पहले बाहर निकल जाओ, यूवी लाइट लगा के हम चेक करेंगे आपकी सीट। कुछ कॉन्ट्रेबैंड कॉन्ट्रेबैंड इधर है, कुछ नहीं इधर ही सीट पे। हो ये रहा, यहाँ पर मेरी गारंटी सही थी। ये क्या? अरे भाई कॉन्ट्रेबैंड के नाम पर इसके पास ये क्या है? वेपन 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 निकला इसके पास, इसको अरेस्ट करना होगा हमें। चल बंदे, तेरे को अरेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर आ चुके। ओ घुस दे रहा है, ले लेगा घुस भाई, ये ब्राइब देने का ट्राई कर रहा है हमें। ऐसा ना हो कि ब्राइब देने के लेने के वजह से हम यहाँ पर सस्पेंड हो जाए, क्योंकि हमारे पहले यहाँ पर जो ऑफिसर काम करता था ना, उसको ब्राइब लेने के वजह से ही सस्पेंड किया गया था। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ईमानदार ऑफिसर बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम कमा सकते हैं ना। और हम भी हमारे प्रिजन में हो चुकी है 3 क्रिमिनल्स। चलो जल्दी जल्दी, और कहाँ कहाँ पे इसने कॉन्ट्रैबैंड छुपा के रखा है, जल्दी जल्दी चेक करना होगा हमें। इधर के टायर में है क्या कुछ? इधर वाले टायर में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इधर आगे कुछ नहीं है। ओ ये रहा यहाँ पर भाई, यहाँ पर कॉन्ट्रैबैंड छुपा के रखा है इसने। तो कौन था? 2, 3, 4, 5, 6, 7। अरे भाई इसने तो, ओ कितने निकले? 2। किधर है ये? 1। ओके, और कहाँ पर मिल सकता है हमें कॉन्ट्राबैंड? कुछ नहीं है यहाँ पर, नहीं है। पीछे वाले टायर में भी कुछ नहीं है।
इधर भी कुछ नहीं है, इधर होना चाहिए यार कुछ ना कुछ। नहीं है, इधर भी नहीं है। ओके, तो इसके बाद हमें और कुछ ज्यादा मिला नहीं। इधर कुछ हो सकता है क्या अंदर? हो, ये क्या? लेकिन मिट्टी रेत कुछ ना कुछ तो होगा, ये बर्बाद हो गया हमारा। तो किधर है मोकेम्बो? अबे मोकेम्बो इधर क्या टॉयलेट कर रहा है शायद? रिलैक्स, टॉयलेट। अरे नहीं यार, ये यहाँ पर क्या चेक कर रहा है? ये मेरे को पता ही नहीं था यहाँ पर भी कुछ है। अरे मोकेम्बो इधर इधर, हमने कॉमरेड को हाँ सैल्यूट कर दूँ पहले। क्लीन कर चल व्हीकल हाँ जल्दी मतलब से। अरे कितना डॉलर मिलेगा इस बार हमें? कुछ 200, 160। इतना कॉमरेड, इतना कॉन्ट्रैबैंड पकड़ने के बाद भी 160? भाई ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी हमें। आप इतनी मेहनत करके इतना थकते हैं हम, और 160 डॉलर मिलता है सिर्फ? बहुत बुरी बात है। तो किधर किधर एक प्लीवर को करते हैं डाउन, बुलाते हैं आज की हमारी तीसरी व्हीकल। तो निकले सर बाहर। डाउन पासपोर्ट? सर, अरे आप ओके, पहले पासपोर्ट दे दो, सर आप आपको जो तो चाहेंगे एयरपोर्ट वही नहीं करेंगे आता। आप। क्या बातें कर रहा है ये, कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे। तो आइए सर बाहर आइए आप, पहले ईमानदारी से बाहर निकलिए। ओके, निकली देखो निकली निकली। ओ, इसका टायर फ्लैट है। ओके, एक कितना बड़ा टायर इसका फ्लैट ही है, ये भी हमें मेंशन करना होगा। इधर कुछ और कॉन्ट्रैबैंड? कॉन्ट्रैबैंड नहीं है, कॉन्ट्रैबैंड ओके। तो इनके पास हमें कुछ कॉन्ट्रैबैंड तो नहीं मिला है। इनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन कर लेते हैं अभी। लाइए सर, पासपोर्ट आपने दे दिया है शायद हमें। तो इनका नाम है गैमल, गैमल बैडरन, बैडरन नाम तो बराबर है। पासपोर्ट नंबर है 17E07Y4। ओके, नाम भी बराबर, पासपोर्ट नंबर भी बराबर। इनका पासपोर्ट एक्सपायर है क्या? पासपोर्ट की एक्सपायरी चेक कर लेते एक बार। मैच कर गया पासपोर्ट एक्सपायरी। इनका वेट व्हीकल का कितना है? 3400, और मैक्सिमम कैपेसिटी है 4200। ये भी बराबर है। इनका वेट फोटो चेक किया ही नहीं हमने इनका। सर शक्ल दिखाना आपकी। फोटो भी बराबर है इनका, सब कुछ तो बराबर लग रहा है। हाँ, व्हीकल डिटेल 0077Q P। व्हीकल नंबर भी बराबर है सर का। सर का तो सब कुछ बराबर निकल आया, और हमें कुछ मिस्टेक भी नहीं लगी सर के पास। तो सर को हम अभी जाने दे सकते हैं। चलो सर, हम आपको अप्रूव करते हैं जो भी अभी आपकी। अरे ओके सर। अरे इसका टायर फ्लैट था यार, हम मेंशन करना भूल गए। कैसे भूल सकता हूँ मैं, इतनी बड़ी गलती बार बार कैसे कर सकता हूँ यार। 160 डॉलर, देखो ड्रग्स पकड़ने के बॉम्ब, सॉरी कॉन्ट्राबैंड जो हमने वेपन पकड़े, फिर भी 160 डॉलर। और इसको पास हमने सिर्फ इसको अप्रूव किया अच्छी चेकिंग करके, फिर भी 160 डॉलर। मतलब भाई तुम कुछ तो ज़्यादा देना चाहिए ना, इतना सारा कॉन्ट्राबैंड पकड़ते हैं हम, उस कॉन्ट्राबैंड का कुछ कमीशन भी हमें देना चाहिए। शायद मैं उसके पास से घूस ले लेता, लेकिन नहीं यार हमें अच्छा नहीं लगी। बताइए। ओके सर, दिखाइए पहले आपका पासपोर्ट दे रहे हैं आप हमें, तो दीजिए। हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे भाई। निकलिए बाहर। भाई कौन है ये? पैर। ओके भरोसा ओके, पहले हम आपकी व्हीकल की चेकिंग कर लेंगे। आप साइट को हटो, साइट को हटो, साइट को हटो। इसके पास इधर तो कुछ नहीं है। इधर भाई, इधर तो इसका झक्कन कुछ नहीं है। व्हीकल की चेकिंग में कुछ मिल नहीं रहा है इसके पास। ये इधर भी नहीं है कुछ, पीछे भी कुछ नहीं। ओ, इधर भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ओके, इसके पास हमें कुछ कॉन्ट्रैबैंड तो मिला नहीं। इसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन कर लेते हैं एक बार। सर, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए हमें चाहिए टर्मिनल बायरट। ओके, नाम तो बराबर ही इनका। पासवर्ड नंबर RNQG8SVR। ओके, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान। पासपोर्ट का एक्सपायरी। ओके, तो इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। तो हाँ भाई, पासपोर्ट एक्सपायर है तो हम इनको एंट्री दे ही नहीं सकते, तो बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। तो इनको अभी सीधा हम भेज सकते हैं बाहर। यू आर बरासा मेकिंग अ बिग सीता। मिस्टेक भाई, धमकी मत दे, थप्पड़ नहीं झाड़ सकते हम इसको, सीधा फायर कर सकते हैं हम यहाँ पर। बादूर ओ, भाग बदला। रहा है, भाग जल्दी, टायर पंचर कर देंगे हम इसका। ओ, -20 डॉलर, दूसरा भी पंचर, -20 डॉलर। दो टायर आ रहे, तू धमकी क्यों दे रहा था हमें? दो टायर पंचर कर दिए, लेकिन जाने दो। 80 डॉलर मिले सिर्फ। डायमंड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटायर कंट्री। ओके, सिर्फ 80 डॉलर, पैसा तो बहुत कम मिला हमें।
तो बुलाते हैं हमारी आज की लास्ट व्हीकल। ओके निकलिए बाहर, आप पहले बाहर निकलिए। आपकी व्हीकल की अच्छी तरीके से चेकिंग करूंगा मैं पहले। आपने यूवी लाइट लगा के, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। ओके तो सर के पास हमें कुछ कॉन्ट्रावेंट तो मिला नहीं है। सर का पासपोर्ट एक बार चेक कर लेते। सर पासपोर्ट देखिए अपना, सर का पासपोर्ट इधर है, मैं खड़ा तू उधर पासपोर्ट दे रहा है, गलत आदमी है तू। सर का नाम भी बराबर है, सर का पासपोर्ट एक्सपायर नहीं है, पासपोर्ट नंबर भी बराबर है। फोटो चेक कर लेते हैं अभी, फोटो भी बराबर है सर का। हाँ व्हीकल का वेट चेक कर लेते। ओके 330 kg। ओके तो मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है 2890 kg और सर का हो चुका है यहाँ पर 330 kg, तो हम इनको डिनाई कर सकते हैं अभी। बाकी का इनका सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे, सिर्फ इनका वेट का प्रॉब्लम है, तो हम इनको करने वाले हैं डिनाई। एक्स्ट्रा वेट हम हमारी कंट्री में नहीं जाने देने वाले। तो चलो देखते हैं लास्ट व्हीकल थी शायद, तो अभी हमें कितना मिलता है ये तो हमें जल्दी पता चल जाएगा। और आज का हमारा काम था वो काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। हमारा काम था कि हमारे प्रिजन को हमें यहाँ पर बड़ा करना था, तो अपग्रेड कर लेते हैं प्रिजन को। माइनस इनवैलिड इंस्पेक्शन रिपोर्ट मार्क्स लिसेंटर ओ गेट टू द सम रेस्ट। अरे यार ये हुआ कैसे? लेकिन उसका तो वेट ज्यादा था ना, फिर हम उसे जाने कैसे दे सकते? जाने दो, प्रिजन अपग्रेड कर लेते हैं हमारा पर्सनल बिल्डिंग। घर को बाद में करेंगे हम, पहले हम अपग्रेड करेंगे हमारा प्रिजन। ओके $900 लगेंगे तो अपग्रेड कर लेना चाहिए। अपग्रेडिंग। ओ भाई बहुत बड़ा प्रिजन हो चुका है अभी। कैपेसिटी कितनी है इनकी? कैपेसिटी कितनी है ये? कितनी कैपेसिटी है इसकी? ओ भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बड़ा प्रिजन हो गया। अंदर राउंड मार के आता हूँ। अंदर क्या है? अरे संडस भी आ गया, पहले संडस नहीं था जयदीप के पास। फक पुलिस इनकी, तो इनको लट बजानी चाहिए। पुलिस को गाली दे रहे एनिमल्स, व्हाई? हेट 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 हेट, भाई बहुत बुरे लोग हैं ये। यहाँ पर कुछ कर सकते हैं हम? तो चलो अभी जल्दी से चलते हैं। हमारा रेस्ट का टाइम हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इस वेयर हाउस को भी अपग्रेड कर लेंगे, ताकि बड़ा हो जाए, ज़्यादा हम यहाँ पर सामान रख सकते हैं। तो चलो जल्दी से अभी चलते हैं, हमारा सोने का टाइम हो चुका है, तो सोना पड़ेगा ना हमें। ओ भाई ये घर भी अपग्रेड करना होगा हमें। ये पत्रे का था पहले, यहाँ पर एक कंटेनर था, लेकिन हमने इसको अपग्रेड किया था। अभी हम इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से अपग्रेड करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलो इधर करो हमारा डोर बंद, अभी हमें सो जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर हम अभी सो चुके हैं। तो गाइज आज का हमारा दिन कंप्लीट हो गया। आज का दिन बढ़िया गया, हमने अच्छे से कमाई की, कुछ माइनस भी गए, लेकिन दिन तो आज का बढ़िया था। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेम प्ले के साथ। गुड बाय।